हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे क्लास 10 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 31, जो आपकी 15 सितंबर की वर्कशीट है। सो इसमें देखिए, हेलो स्टूडेंट, होप यू ऑल आर सेफ एंड स्माइलिंग। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे हैं, आप सब सुरक्षित हैं और हंसमुख हैं, हंसी है आपके चेहरे पर। दिस वर्कशीट ऑनवर्ड्स लेट अस ट्राई योर हैंड एट सम स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्रामर। कुछ ग्रामर के स्ट्रक्चर्स हैं जिसके अंदर आपको कुछ ब्लैंक्स दिए हैं, जिनमें आपने डिटर्मिनेंट्स, मोडल्स, सब्जेक्ट वर्ब्स जैसे कॉन्कर्ड, टेंसेज, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कमांड, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, इन चीज़ों के अंदर हम आज डील करने वाले हैं। सो आज हमारे पास जो एक्टिविटी है दैट इज डिटर्मिनेंट्स एंड आर्टिकल्स की। तो ठीक है, इन सारी के लिए हम एक्टिविटीज़ करेंगे, बट आज की जो एक्टिविटी है दैट इज डिटर्मिनेंट्स एंड आर्टिकल्स। सो देखिए, लेंचो वाला चैप्टर आपने पढ़ा, उसी से रिलेटेड कुछ है। द पोस्टमास्टर मास्टर हेल्प्ड विद लेंचो विद मनी। पोस्टमास्टर जो था उसने लेंचो को मनी दी थी, क्योंकि वो गॉड के नाम पे लेटर लिख के आया था, तो पोस्टमास्टर को उसके ऊपर दया आ गई। उसने क्या किया, उतने पैसे, उससे कुछ कम पैसे उसके अंदर डाल के उसको दे दिए। द पोस्ट ऑफिस ऑफर्स अ फैसिलिटी ऑफ सेंडिंग मनी थ्रू मनी ऑर्डर। हाउ दिस इज हाउ आई डिड इट। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस जो है वो हमें अलो करते हैं, हमें ये एक फैसिलिटी देते हैं, एक सुविधा देते हैं कि हम मनी ऑर्डर से अपने जो पैसे हैं वो अपने भाई बहन या कोई भी रिश्तेदार हैं उनके तक भेज सकते हैं, फेंक नहीं सकते, भेज सकते हैं। माई विजिट टू द पोस्ट ऑफिस, इसके अंदर आपको कुछ जो ब्लैंक्स दिए हैं, जो मैंने फिल कर दिए, जो आपको ब्लू ब्लू लाइन दिख रहे हैं वर्ड्स, वो मैंने फिल किए हुए हैं, तो उनके बारे में हम देखते हैं। आई हैड टू डैश सम और फ्यू मनी टू माई ब्रदर थ्रू पोस्ट ऑफिस। मैं अपने जो भाई है उसको कितनी कुछ मनी या क्या भेजना चाहता हूँ। तो एक चीज़ यहाँ पे याद रखिए कि हमारा जो फ्यू वर्ड है ना, वो आता है काउंटिंग, जिनको हम काउंट कर लेते हैं उन चीज़ों के साथ में। बट मनी क्या होता है, एक आप बोलो कि एक एक्सेप्शन होता है, उसके साथ फ्यू नहीं आता, उसके साथ सम आता है। मनी को नो डाउट हम काउंट कर सकते हैं, बट उसके साथ क्या होता है, कभी भी फ्यू नहीं आता, हमेशा सम आता है। तो फर्स्ट में आपका आएगा सम, ठीक है। नेक्स्ट है, उसके बाद में है डैश समवन और एनीवन टोल्ड मी दैट इट वॉज डैश द और ए चीपेस्ट वे ऑफ सेंडिंग मनी। तो समवन टोल्ड, एनीवन नहीं, समवन, किसी ने मेरे को बताया कि इट वॉज द चीपेस्ट। द चीपेस्ट मतलब सबसे चीपेस्ट जो है, सबसे सस्ता जो है वो मनी को ट्रांसफर करने का, जो पैसे हैं उनको भेजने का तरीका है। नेक्स्ट वन इज इनसाइड द पोस्ट ऑफिस आई वेंट टू दा और ए काउंटर मार्क्ड मनी ऑर्डर। तो यहाँ पे देखो, मार्क कर दिया ना उसको, स्पेशलाइज कर दिया, स्पेशलाइज कर दिया, तो ए नहीं आएगा, दा आएगा। सीधा बोल देते ना कि मैं एक काउंटर पे गया तो ए आता, अब उन्होंने मार्क कर दिया, मनी ऑर्डर वाले काउंटर पे गया तो दा आएगा, ठीक है। आई ब्रॉट डैश ए और दा मनी ऑर्डर, यहाँ पे आएगा ए, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, यहाँ पे आएगा ए, क्योंकि ए की मनी ऑर्डर लेना है, ठीक है, वहाँ पे काफ़ी सारे होते हैं, तो क्या लेना है, आपने सिर्फ एक ही लेना है, अपने भाई को भेजनी है। तो फ्रॉम मनी ऑर्डर फॉर्म बाई पेइंग मनी टू द पर्सन एट ए काउंटर, एट ए काउंटर आएगा। अब मनी ऑर्डर वाला काउंटर या कौन से काउंटर पे उन्होंने पैसे दिए हैं वो नहीं बताया, सीधा काउंटर लिखा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू फिलिंग द मनी ऑर्डर फॉर्म वॉज वेरी इजी। डैश और एन, डैश मतलब सम और एनी बॉक्सेस वर गिवन टू फिल इन माई डिटेल्स। कुछ बॉक्सेस या एनी बॉक्सेस, एनी क्या होता है, एक आधा बॉक्स जो दिया हो सकता है, एनी, ठीक है। सम बॉक्सेस जो हैं वो दिए गए थे जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे आपका नाम, आपके पिता का नाम, मादा का नाम, कहाँ भेजना है, किसको भेजना है, वो चीज़ें, ठीक है। आपका एड्रेस क्या है, अगले का एड्रेस क्या है, वो चीज़ें। सो डैश ऑल फ्यू डिटेल्स हैड टू बी कम्प्लीटेड। तो फ्यू नहीं, कुछ नहीं भर सकते, आपको सब कुछ उसके अंदर भरना होना है, तो भरता होता है, तो ऑल द डिटेल्स, ठीक है। आई पेड डैश द अमाउंट, आई पेड द अमाउंट, ए अमाउंट मतलब कोई भी अमाउंट, पर द अमाउंट क्यों आया, क्योंकि वो पैसे हैं जो उसने अपने भाई को भेजने हैं, वो उनको दिए। ए अमाउंट में तो कुछ भी आ सकता है, तो द अमाउंट, ठीक है। विच आई वॉन्टेड टू सेंड माई ब्रदर, ठीक है, टू द क्लर्क अलॉन्ग विद द, यहाँ पे क्यों आया, अलॉन्ग विद द ट्रांसफर चार्जेस। हर एक जगह भेजने के लिए जो ट्रांसफर के चार्जेस होते हैं ना, वो स्पेसिफिक होते हैं। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो डिलीवरी चार्जेस आपकी जगह के अकॉर्डिंग बदलते जाते हैं, ठीक है, कई बार, तो वहाँ पे क्या होता है, इस केस में भी ये होता है, तो यहाँ पे आएगा द, ठीक है। द काउंटर फॉइल ऑफ द MO फॉर्म वॉज रिटर्न टू मी फॉर माई रिकॉर्ड, मेरे रिकॉर्ड के लिए उन्होंने मेरे को काउंटर फॉर्म जो है MO का वो वापस दे दिया, यानी एक एक स्लिप देते होते हैं वो। सो ये होते हैं आपके पास मनी ऑर्डर का फॉर्म, यहाँ पे आपने रुपीस लिखने होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप लिखते हो कितने, 2000 4000, टू किसको भेजना है, उसका पिन कोड, डेट आपने डालनी होती है जो भेज रहा है उसके साइन, ठीक है। फिर एम
वो का जो फॉर्म का नंबर है वो, फिर आप डेट डालोगे, ठीक है, फिर आप रुपीस लिखोगे वर्ड्स के अंदर कि 2200 कितने, और ये होता है ऑफिस यूज़ के लिए, ये आपने नहीं भरना होता, तो ये इतने सारे बॉक्सेस आपको फिलअप करने पड़ते हैं. ओके, नेक्स्ट है, देर आर थ्री मोर मैथड्स थ्रू विच वी कैन ट्रांसफ़र मनी टू समवन. अब आएगा डैश, एनीवन और समवन कैन यूज़ दीज मैथड्स. कोई एनीवन, कोई भी यूज़ कर सकता है, समवन नहीं है कि कोई ज़रूरी है कि वो इंसान ही यूज़ कर सकते हैं, आप भी यूज़ कर सकते हो, मैं भी यूज़ कर सकती हूँ, कोई भी यूज़ कर सकता है. डैश नन वन और नन मस्ट हैव डैश एन या द अकाउंट इन डैश द और ए बैंक. तो आएगा समवन, दैट इज वन मस्ट हैव, होना चाहिए, मस्ट का मतलब होना ही चाहिए, एन अकाउंट, एक अकाउंट, कम से कम एक अकाउंट इन ए बैंक, एक बैंक के अंदर, सभी बैंक के अंदर काफ़ी सारे अकाउंट ना हो, कम से कम एक अकाउंट, एन अकाउंट इन आ बैंक, एक बैंक के अंदर. ओके, क्लियर. उसके बाद है, हमें तीन को और मेथड्स दो दिए हुए हैं, दैट इज़ एक तो नेफ्ट दिया हुआ है, NEFT, जिसको नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र बोला जाता है, ठीक है, NEFT. तो उसमें क्या होता है, डैश ईच और एवरी ट्रांसफ़र कैन नॉट एक्सीड रुपीज़ 50,000. ईच और एवरी, हर एक, ईच ट्रांसफ़र जो है वो 50,000 से, हर एक ट्रांसफ़र जो है वो 50,000 से ऊपर का नहीं होना चाहिए. रियल टाइम ग्रोस सेंटिमेंट RTGS, ये भी एक मेथड होता है. देर इज़ नो लिमिट फॉर एनी अमाउंट ऑफ मनी टू बी सेंट, कोई भी अमाउंट ऑफ मनी, सम अमाउंट पे नहीं है कि कितना भेजोगे तो उसके लिए लिमिट नहीं है, किसी भी अमाउंट के लिए आप 2,00,000 भेजो, 4,00,000 भेजो, 10,00,000 भेजो, जितने भी भेजोगे भेज सकते हो. उसके बाद में इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS, ठीक है, एज अ नेम सजेस्ट द पेमेंट इज इमीडिएट, इमीडिएट मतलब जल्दी से भेज देते हैं, इधर से आपने डाली उधर पहुंच गई, दैट इज़ इमीडिएट, कुछ घंटों के अंदर या कुछ सेकंड्स के अंदर, कुछ मिनटों के अंदर जो काम होता है, सेकंड्स तो नहीं बोल सकते, कुछ मिनट्स के अंदर हो जाता है या कुछ घंटों में हो जाता है, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर वर्कशीट नंबर 31 जो हमने की है क्लास 10 के लिए. तो आप ये आंसर्स इसके देख लें, आई होप आपने फिल कर लिए होंगे अपने जो भी ब्लैंक्स हैं उनको. सो इसी के साथ ये वर्कशीट यहाँ पर ख़त्म होती है.